गुराना गांव का जो खतरा बना हुआ है, जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े व्हीकल फैल हो जाते हैं, वहीं पर काम आती है वो बुग्गी, वो गड्डी जो पुराने समय में हमेशा हमारे साथ रही है, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी ने हमेशा साथ दिया है, कितने भी खड्डे हो, कितने भी मुसीबत हो, बैलगाड़ी ने हमेशा साथ दिया है। और इस बैलगाड़ी के जरिए ही जो ताई जी है उस पार जाएगी। ताई जी राम राम। एक मिनट रोक दो। अच्छा जी, कतौड़ जाओगे बाप? रोटी ले आऊंगी। कितनी दूर पड़ा है? रट्टा तो ले आऊंगा, वांड मत है। पूरा पार करोगे? पूरा पार। अच्छा, तो मतलब पानी पानी की संभाले को नहीं होंदी को सरकार ने? ये डूब तो जावे? डूबा ही वो, इतना डूबोगा। बैठा भाई और तो बैठ जा। हां बैठ जाओ, खबर बना लेंगे ताई। थोड़ी सी नु नो ले भी तो ला भाई। देखिए आज कुछ बैठ ले भाई। बैठ चुके हैं हम, और आज सवारी गाड़ी की नहीं करेंगे, या फिर कोई मोटर साइकिल की सवारी नहीं है, कोई ट्रैक्टर की सवारी नहीं है। किसान का जो सबसे बड़ा साधन होता है बैलगाड़ी। किसान इस बैलगाड़ी के जरिए ही सारे वो काम। भाई साहब कैसे, किस प्रकार के हालात बने हुए हैं? बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या कुछ मांग कर रहे हो सरकार से? भाई पानी उतरना चाहिए। अच्छा, हाँ। और कोई बातचीत आप सरकार से पूछा करते हो? भाई पानी उतर जाओ, उतरे तैर जाओ। ट्रैक्टर कितना कितना डूब गया था जब आप ले गए? पानी है भाई, या बुग्गी निकल जाएगी? या बुग्गी का ऊपर हो जाएगा, तैरा का जमा है या जगह तो निपिस दी है? मतलब एक बात है, तारा ट्रैक्टर भी रुक जाएगा, लेकिन या जो अपना पुराना हथियार है यो नहीं रुकेगा? यह तो सामने मेरा है। चलो भाई, यो पुराना हथियार है किसान का, यू बड़े बड़े रास्ते ने पार करके निकला है और इस रास्ते ने आज पार करेगा। चलो जी, ले भाई दिखावांगे और प्रैक्टिकल दिखावांगे। एक और बताया दो। हाँ जी, लो भाई प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। पीछे की तस्वीर देखते रहियो। और बुग्गी के अंदर बैठ गए हैं, बैलगाड़ी है जो, और ये बैलगाड़ी किसान का एक बड़ा रथ है, और इस रथ के जरिए ही हम दूसरी तरफ जावांगे और जो पूरी तस्वीर है वो दिखावांगे। भाई बैलगाड़ी यहाँ जूते वहीं रखे हुए है, अभी यहाँ जो लोग हैं इनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो भाई जो वो जो दूसरा किनारा पड़ता है गुराना साइड का, वहाँ से हम आए थे, और वहाँ जब देखा बाइक नहीं जा सकती, हमारी जो गाड़ी है वो उधर ही खड़ी है, क्योंकि लगता था कि गाड़ी भी अगर सिलेंसर तक पानी आ गया तो कहीं ना कहीं गाड़ी बीच में रुक सकती है, तो इसलिए हमने क्या करा वहीं रोक दी। तो अभी बैलगाड़ी जो सबसे बड़ा किसान का साधन होता है उसने पार लगाई है नैया। अभी जो ये लोग हैं यहाँ से हैं, ये दूसरे किनारे पर जाएंगे, तो इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कौन से गाँव से हो सर? हम राखीगढ़ी गाँव से हैं। राखीगढ़ी से सर, ये जो समस्या आपके गांव की तरफ भी है इस प्रकार की? हाँ, वहाँ भी पानी काफी है, लेकिन जैसे जो रास्ता जाम है इस प्रकार से, ये तो नहीं होगी समस्या? इतनी समस्या तो नहीं है जी। अच्छा, मतलब समस्या है सभी तो फसल। आपने बस अब दूसरी जगह कहाँ जाना था? गांव में जाना था जी, इसमें गुराना में गांव। तो फिर अब कैसे जाओगे? अब ये बुग्गी में जाएंगे बैठ के, या बुग्गी आ गई यहाँ से वहाँ पा रहे देखें भाई, मतलब हम भी देखें कोशिश करेंगे। तो चला भाई, नहीं अच्छा ज्यादा हो जाएगा। ले भाई ज़्यादा हो जाएगा, एक बार उनका वर्जन ले ला। ले भाई देखो, बुग्गी जाओगी वायर नहीं है, दोबारा आएगी बेल, यू थोड़ा कमजोर है लगता तो नहीं। राम राम जी। राम। तो डेली आओ जी, एक मिनट रोक दो। हाँ, डेली आओ। हाँ। एक मिनट रोक दो, रुकता को नहीं के एक मिनट रोक दो, रुक दो। डेली आओ। हाँ। अच्छा, तो इस मुसीबत में तो नैया पार लगा हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप डाटा तो लेकर आओ सम डाटा को नू आओ। हाँ। अच्छा, बहुत दूर था, एक रात नूना मरा रुक रहा है। अच्छा अच्छा, ताई कौन सा काम से हो? राखी। राखी से? हाँ। तो आपने कहाँ जाना था? डाटा। तो देख लिए सुंदरता इस गांव की। हाँ। सरकार ने किस प्रकार के हालात मुड़ कर रखे हैं? वो तो उसकी मर्जी है जी, सब कर रखे है। तो राम नगर है जी, आप जनता के राम नगर रखे है, तो जनता ने वोट दिए, तो हल तो सरकार ने करना है ना, भगवान ने तो कर दिया जो कर दिया, हल तो सरकार करेगी ना। सरकार करना चाहिए। अच्छा, फसल भी मारती। क्या नाम आपका? स्वीटी। तो पढ़े लिखे हो, आपको लगता है भी सरकार कुछ करेगी? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं करेगी। तो ही ना, ऐसे हालात कभी देखे है? नहीं, कभी नहीं देखे मैंने। ठीक है, लो भाई देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो राहगीर है जो यहाँ पर आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाई जा रही है, और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है जो प्राकृतिक आपदा ने किन किन गांव को चपेटा है और इस आड़ में क्या क्या नुकसान लोगों को हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं जो दूसरे तरफ जाना चाहते हैं, उनको अपने बाइक यहाँ पर छोड़कर, यानी कि बुगियों से जाना, जो बैलगाड़ी है उनसे जाने के लिए रास्ता मतलब बना रहे हैं, अभी वहाँ से उनके जरिए दूसरा रास्ता है वो जाया जा सके। तो अभी और कोई गाड़ी आएगी
हम भी दूसरे रास्ते पे दोबारा जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि पीछे की जो तस्वीर आप देखना चाहोगे ये एक बिजली का जो ट्रांसफार्मर है, जो देख सकते हैं पीछे जो डूब चुका है, अगर थोड़ी सा और पानी इसमें भर जाता है कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा, क्योंकि साइड में एक बड़ा बिजली का टावर लगा हुआ है और एक ये बिजली का खंभा जहां जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज करंट होता है और जो ऊपर होती है वो 11,000 वोल्ट से भी ज़्यादा की करंट इसके अंदर होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अट्टा गुराणा की जो तस्वीरें हैं भयानक तस्वीरें आपके सामने रोड की दिखाई जा रही है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होगी, आशा आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। किसानों के जो बैल है, जो सबसे बड़ा साधन है, उसके ज़रिए ही ये जो नैया है वो पार हो रही है। धन्यवाद।